नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैंड गुरु जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बहुत लाभकारी होगा। चाहे आप APS की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी को डिक्टेशन सुनना है, लिखना है और उसको ट्रांसक्राइब करके PDF से मिलाना है, और मिला के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली डिक्टेशन मिलेगा, उसकी PDF होगी और आउटलाइन होगा, और गूगल मीट पे लाइव क्लासेस भी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, देश भर के चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों के हित को देखते हुए सरकार में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि मजदूरों का जो पैसा मिल मालिकों के यहाँ बाकी है वह वसूल होना ही चाहिए। सरकार तो यहाँ तक मानती है कि उन पैसों का उपयोग मजदूरों के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। सरकार में इस बात के लिए दो मत की गुंजाइश नहीं है। यदि कोई मतभेद है तो वह मजदूर यूनियनों में है। मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनको गुस्सा करने की ज़रूरत है। कृषि मंत्री होने के नाते मैं उनसे वादा करता हूँ कि जो भी निर्देश मेरे पास आएंगे उस पर जहाँ तक संभव होगा मैं जल्द लागू करूँगा। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार यह भी सोच रही है कि भारतीय दंड विधान की किसी धारा को इसमें लागू किया जाए, ताकि अधिक से अधिक सजा का प्रावधान किया जा सके और मिल मालिक इस धन का दुरुपयोग ना करने पाए। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस संबंध में अधिनियम में किसी संशोधन की ज़रूरत है तो भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। अभी अभी एक सदस्य यहाँ पर बता रहे थे कि जो बहुत से मजदूर चीनी मिलों की नौकरी छोड़कर चले गए हैं, उनको भविष्य निधि का पैसा नहीं मिला है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। इस समय लगभग 15 लाख लोग देश भर की चीनी मिलों में नौकरी कर रहे हैं और लगभग 200 करोड़ रुपए इस खाते में वसूल हुए हैं। 15 लाख मजदूरों की संख्या एक बड़ी संख्या होती है, इसलिए हो सकता है कि कुछ मजदूर भाइयों को पैसा ना मिला हो, परंतु मैं सदन के माध्यम से उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी मजदूर को इस प्रकार की परेशानी का सामना ना करनी पड़े और शीघ्र ही उनको उनका पैसा मिल जाए। अभी कानपुर के एक मित्र यह बता रहे थे कि कई महीनों से वहाँ के मिल में काम करने वाले
मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। इसके बारे में राज्य सरकार ने हमारे पास कुछ सुझाव भेजा है। मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने उन सुझावों को मंजूर कर लिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार भविष्य निधि से इस महीने सभी मजदूरों को उनके वेतन की पहली किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी है। धन्यवाद। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली एजुकेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।